लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। पॉलिटिकल पार्टियां इसी बीच चुनाव से पहले अपनी रणनीति भी बना चुकी हैं। ऐसे में यूपी के सबसे अमीर सांसद की चर्चा तेज है, जिन्होंने चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बसपा को बड़ा झटका दे दिया है और इस्तीफा देकर अब आरएलडी में शामिल हो गए हैं। कौन है यूपी के सबसे अमीर सांसद और क्या है उनका नाम, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। पार्टियों के बीच जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। इसी बीच मायावती को बड़ा झटका लगा है। बसपा को झटका देने वाले सांसद का नाम मलुक नागर है और वो यूपी के सांसद की लिस्ट में सबसे अमीर हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। हापुड़ जिले के रहने वाले मलुक नागर का जन्म 1964 में हुआ था। उन्होंने उपेरा में स्थित HNS कॉलेज से हाईस्कूल और मेरठ से SS इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने हापुड़ के SSV डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरा करने के बाद मलुक नागर ने बिजनेस शुरू कर दिया। वे यूपी के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से भी एक हैं। मलुक नागर यूपी के अमीर सांसद के रूप में भी जाने जाते हैं। साल 2006 में उन्होंने बसपा का दामन थामा था। उन्होंने साल 2009 में मेरठ से और 2014 में बिजनौर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। साल 2019 में सपा और बसपा ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था और मायावती ने बिजनौर से मलुक नागर को उम्मीदवार बनाया। मलुक नागर ने बंपर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव 2019 के नामांकन में दाखिल हलफनामे के अनुसार मलुक नागर के पास कुल प्रॉपर्टी 250 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर अचल संपत्ति की बात करें तो 115 करोड़ से ज्यादा है। उन पर 101.61 करोड़ रुपए का लोन भी है। इसे लेकर SBI ने नागर को और उनके भाई के खिलाफ नोटिस भी भेजा था। साथ ही आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापा भी मारा था। मलुक नागर वर्तमान में बिजनौर से सांसद है। उम्मीद थी कि इस बार फिर उन्हें उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन बसपा ने उनका टिकट काट दिया। मायावती ने चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर सीट से चुनावी मैदान में उतारा। बसपा से टिकट कटने के बाद मलुक नागर नाराज चल रहे थे और यही वजह रही कि उन्होंने RLD ज्वाइन कर लिया। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इन खबर।